मुख्य अतिथि महोदय द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। राष्ट्रगान की धुन पर राष्ट्रीय सलामी, एक मुख्य हेतु। सभी प्रतिभागी यही विश्वास दिलाते हैं कि वो अपने दायित्वों से भलीभांति परिचित। परेड में सबसे पहले दस्ते का निरीक्षण करते हुए सबसे पहली प्लाटून अपने कमांडर श्री तेजवत जी की अगुवाई में, चीफ गर्ल्स अराइव्स इन फ्रंट ऑफ सेकंड प्लाटून लेड बाय श्री सूरज राजवंशी, नाव इंस्पेक्टिंग थर्ड प्लाटून लेड बाय कुमारी आकांक्षा, चौथा दस्ता सेंट जॉन एम्बुलेंस, एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सेवा संगठन जिसके नेतृत्व कर रहे हैं सुबीर साहू। राजवंशी के नेतृत्व में सलामी स्थल के सामने से गुजरते हुए, नाउ गोइंग पास द सल्यूटिंग बेस इज थर्ड कंटिजेंट लेड बाय मिस आकांक्षा। दक्षिण पूर्व रेलवे के मेरे प्रिय रेल कर्मियों, अपर महाप्रबंधक दक्षिण पूर्व रेलवे, मेरे साथी अधिकारीगण, उपस्थित सभी सर्वो की सदस्यागण, सभी मान्यता प्राप्त यूनियन और एसोसिएशन के पदाधिकारी, देवियों, सज्जनों और प्यारे बच्चों, आप सभी जो दक्षिण पूर्व रेलवे के पहियों को सुरक्षा और संरक्षा के साथ गति प्रदान करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, आप सभी को मैं 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई देती हूँ। 26 जनवरी सन 1950 को संविधान लागू होने के साथ ही भारत एक संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ था। उस ऐतिहासिक दिन की याद में आज हम अपनी मातृभूमि की एकता, अखंडता और संप्रभुता की सदैव रक्षा करने और राष्ट्र के विकास के लिए अपने कार्य क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ देने का संकल्प दोहराने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये उन स्वतंत्रता सेनानियों और हमारे संविधान निर्माताओं को सच्ची श्रद्धांजलि होगी जिन्होंने एक विकसित और खुशहाल भारत का सपना देखा और हमें एक मजबूत और जीवंत लोकतंत्र दिया। आपके समक्ष इस बात को बताते हुए मैं गौरव महसूस कर रही हूँ कि कोविड संक्रमण के दौरान हमारे चिकित्सक, नर्स, पैरामेडिक, स्वास्थ्यकर्मी, ट्रेन परिचालन से जुड़े कर्मी, विभिन्न सहयोगी विभाग और बाकी सभी ने अपने जीवन को जोखिम में डालकर समाज और राष्ट्र सेवा में जिस संकल्प और साहस के साथ काम किया है वह सराहनीय है। इस चुनौती भरी संकट काल में गत 2 वर्षों में हमने कोविड रोगियों की चिकित्सा प्रदान करते हुए अपने सभी कर्मचारियों एवं उनके परिवारजनों का टीकाकरण भी किया है। कोविड की महामारी में राष्ट्रव्यापी संकट को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे ने अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता और जिम्मेदारियों को निभाते हुए 281 ऑक्सीजन स्पेशल का संचालन किया। इस वर्ष रेल कर्मियों की स्वास्थ्य सुविधाओं में उत्तरोत्तर सुधार के लिए सेंट्रल हॉस्पिटल गार्डन रीच में ऑक्सीजन की निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए 13,000 लीटर क्षमता का ऑक्सीजन टैंक तथा सेंट्रल मेडिकल गैस पाइपलाइन की व्यवस्था की गई है। साथ ही हमारे रेलवे के 7 अस्पतालों में भी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे आयरन ओर, फिनिश स्टील, कोयला, सीमेंट और पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन करने वाला प्रमुख रेलवे है
और देश के सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास में लगातार योगदान दे रही है। ब्लू चिप रेलवे के नाम से प्रसिद्ध दक्षिण पूर्व रेलवे भारतीय रेलवे की सर्वांगीण महत्वपूर्ण उपलब्धियों में प्रमुख भागीदार रहा है। इसी कारण और आप सबकी निष्ठा और मेहनत के फलस्वरूप दक्षिण पूर्व रेलवे को 66 नेशनल रेलवे अवार्ड 2021 की गोविंद वल्लभ पंत शील्ड तथा ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन शील्ड से नवाजा गया है। वर्ष 2020-21 में दक्षिण पूर्व रेलवे ने कुल 175.8 मिलियन टन लदान किया, जो कि इस रेलवे के त्रिभाजन के बाद अब तक का सबसे अधिक लदान है। मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि दक्षिण पूर्व रेलवे ने इस वित्तीय वर्ष में दिसंबर तक 143.31 मिलियन टन लोडिंग हासिल कर ली है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के दिसंबर माह तक की लोडिंग से लगभग 15% अधिक है। ओरिजिनेटिंग अर्निंग में गत वर्ष के मुकाबले 27.24% की बढ़ोतरी करते हुए 13,393 करोड़ अर्जित किए गए। इस वर्ष यात्री परिवहन के क्षेत्र में औसत 376 ट्रेनें रोजाना चलाकर हमने कुल 61.89 मिलियन यात्रियों का वहन किया। हमारी गाड़ियों की समय बद्धता 94.10% रही है। फलस्वरूप यात्री भाड़ा आय में भी विगत वर्ष के अर्जन रुपये 271.30 करोड़ की तुलना में इस वर्ष 1162 करोड़ का अर्जन किया गया। हमारी ऑपरेटिंग अनुपात 79.6% रहा, जो कि भारतीय रेल में सर्वोत्कृष्ट आंकड़ों में से एक है। टाटा नगर बादाम पहाड़ सेक्शन के विद्युतीकरण के साथ ही अब दक्षिण पूर्व रेलवे ने अपने 98% रेल मार्गों के विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया है। दक्षिण पूर्व रेलवे के इलेक्ट्रिक लोको शेड्स ने भारतीय रेल में सर्वाधिक 1064 लोको की होल्डिंग रख विशिष्ट उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2020-21 में हमने अपने नेटवर्क को और बढ़ाते हुए 102.3 किलोमीटर की रेल लाइनों का दोहरीकरण तीहरीकरण किया। वर्ष 2021-22 के दौरान दिसंबर 21 तक विसरा बंडा मुंडा तीसरी लाइन तथा बालसरिंग लोधमा सेक्शन के बीच लाइन के दोहरीकरण का कार्य किया गया है। इस वर्ष माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा कलाईकुंडा और झारग्राम के बीच 30 किलोमीटर तीसरी रेल लाइन का भी लोकार्पण किया गया था। इसके अतिरिक्त माल लदान में वृद्धि के लिए बॉक्स एंड एचएल के 74 एक्स को 25 टन एक्सल लोड में परिवर्तित कर थ्रूपुट बढ़ाया गया। रेल प्रयोक्ताओं की बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के हमारे प्रयासों में हमने पूरे दक्षिण पूर्व रेलवे के स्टेशनों पर सुविधाओं में उत्तरोत्तर सुधार करने का लक्ष्य रखा है। पैसेंजर टिकट की सुविधा के लिए वर्तमान में हमारे रेलवे में 143 स्थानों पर PRS, 257 स्थानों पर UTS की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त 101 स्थानों पर स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट्स, 70 स्थानों पर ATVM, 9 स्थानों पर यात्री टिकट सुविधा केंद्रों के माध्यम से टिकट की सुविधा प्रदान की जा रही है। दक्षिण पूर्व रेलवे के उपनगरीय सेक्शनों जैसे हावड़ा मिदनापुर, पांचकुंडा हल्दिया, सांतरागाछी शालीमार और सांतरागाछी आमता में UTS और मोबाइल ऐप के द्वारा टिकट की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन को ध्यान में रखते हुए तथा यात्री सुविधाओं में निरंतर उन्नति करने के लिए उच्च गति वाईफाई सिस्टम कुल 247 स्टेशनों पर प्रदान कर दी गई है। टिकट काउंटर तथा ट्रेन्स में डिजिटल पेमेंट की सुविधा प्रदान करने के लिए 340 POS मशीनों की व्यवस्था की गई है। स्वच्छता के साथ साथ यात्री सुविधाओं के प्रावधान के मामले में और निर्धारित मानक बनाए रखने के लिए हम सदैव प्रतिबद्ध हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे में आदर्श स्टेशनों के रूप में चिन्हित सभी 86 को पहले ही आदर्श स्टेशनों के रूप में विकसित किया जा चुका है। गत वर्ष और इस वर्ष दिसंबर माह तक यात्री सुविधाओं में सुधार करने हेतु 25 स्टेशनों पर 42 प्लेटफॉर्म्स की ऊंचाई बढ़ाई गई, 5 स्टेशनों पर 7 प्लेटफॉर्मों का विस्तार किया गया, 14 स्टेशनों पर 43 प्लेटफॉर्म शेल्टर बनाए गए। इनके अतिरिक्त 24 नए FOB निर्मित किए गए, जिनमें संतरागाछी और खड़गपुर स्टेशनों के आधुनिक 6 मीटर चौड़े FOB शामिल हैं। इसके अलावा 11 स्टेशनों पर सर्कुलेटिंग एरिया का सुधारा गया। सुविधा एवं संरक्षा के दृष्टिकोण से अब तक लंबी दूरी की 42 ट्रेनों के 54 रेक्स को LHP में परिवर्तित किया गया है। हमारी सभी मेल एवं एक्सप्रेस ट्रेनों पर IRCTC के समन्वय से ई केटरिंग की सुविधा भी उपलब्ध करा दी गई है।
रेलवे ट्रैक पर विभिन्न दुर्घटनाओं को रोकने और आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे ने इस वर्ष दिसंबर 2021 तक 10 लिमिटेड हाइट सबवे, 11 स्थानों पर डायवर्जन ऑफ रोड ट्रैफिक और 6 रोड ओवरब्रिजेस के माध्यम से 27 मानव सहित संपारों का उन्मूलन किया। सुरक्षा संरक्षा के साथ साथ रेल उपयोगकर्ताओं की सुख सुविधाओं में विस्तार हमारा प्रथम लक्ष्य रहा है। इस संदर्भ में हमारे रेलवे सुरक्षा बल के कर्मी उत्कृष्ट सेवा प्रदान कर रहे हैं और जान माल के नुकसान को रोकने के लिए हमेशा सतर्क रहते हैं। इसी मिशन के साथ यात्रा के दौरान महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा हेतु माय सहेली और नन्हे फरिश्ते अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए हमारे RPF एवं RPF के जवान विशेष रूप से महिला डिब्बों और रात्रि गाड़ियों में स्कॉटिंग करते हैं। सुरक्षा में और सुधार करने के लिए 53 स्टेशनों पर 1781 CCTV कैमरा भी लगाए गए हैं। हमारे गार्डन रीच अस्पताल में ENT विभाग ने सितंबर में एक विश्व स्तरीय OPD इकाई स्थापित कर बेहतर रोगी देखभाल और नैदानिक परीक्षा प्रदान की है। अक्टूबर 2021 में 2 अत्याधुनिक क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस खरीदे गए और उपयोग में हैं। सर्जरी विभाग ने हाई स्पीड इलेक्ट्रिक ड्रिल और क्रैनिटोम की उपलब्धता के साथ ब्रेन सर्जरी के तरीके में आधुनिकरण किया है। इस वर्ष HRMS के क्रियान्वयन में सर्विस रिकॉर्ड, पास इश्यूइंग, APR तथा अन्य कर्मचारी मामलों को सुव्यवस्थित किया गया है। रेलवे में संरक्षा सर्वोच्च स्थान रखती है और हमारी प्रमुख चिंता बनी हुई है। हम इस संबंध में कोई भी ढिलाई स्वीकार नहीं कर सकते। मैं सभी रेल कर्मियों से आग्रह करती हूँ कि वे नियमों का पालन करते हुए उचित प्रशिक्षण और परामर्श देकर और निरंतर निगरानी और निरीक्षण करते हुए संरक्षा के मामले में गंभीर, अनुशासित और समर्पित रहें। पर्यावरण की सुरक्षा हमारी प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक है। दक्षिण पूर्व रेलवे ने पारंपरिक ऊर्जा बचाने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, सौर पैनलों की स्थापना और विभिन्न स्टेशनों और प्रतिष्ठानों में 100% LED के उपयोग जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं। ऑनरेबल NGT द्वारा चिन्हित 21 स्टेशनों में से 20 स्टेशनों को कंसेंट टू ऑपरेट सर्टिफिकेट हासिल कर पर्यावरण संरक्षण की हमारी प्रतिबद्धता को मजबूती दी है। दक्षिण पूर्व रेलवे ने स्वच्छ भारत मिशन में सक्रिय भूमिका निभाई है। हमारी कॉलोनियों, कालनों और स्टेशनों की ओर स्वच्छ कराने के लिए विशेष अभियान चलाए गए हैं। ट्रेनों में साफ सफाई में सुधार के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत वर्ष 2021 में सभी 74 चिन्हित ट्रेनों को OBHS सेवाएं प्रदान की गई हैं तथा सभी OBHS अनुपालित ट्रेनों में SMS वेबसाइट आधारित OBHS संबंधी शिकायत निवारण प्रणाली शुरू की गई है। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में दक्षिण पूर्व रेलवे का योगदान उल्लेखनीय रहा है। श्री जावेद अली खान ने विश्व बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया और दूसरा स्थान हासिल किया। सुश्री निकी प्रधान कोरिया में होने वाली सीनियर महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी के लिए चुनी गई। सुश्री सलीमा टेटे और सुश्री संगीता कुमारी को FIH जूनियर महिला विश्व कप के लिए चुना गया। इस अवसर पर मैं सभी मान्यता प्राप्त श्रमिक संगठनों की भूमिका और सहयोग की प्रशंसा करती हूं, जिन्होंने हमेशा इस संगठन की बेहतरी के लिए हमारे साथ सहयोग किया है। मैं प्रत्येक मंडल मुख्यालय, वर्षा तथा दक्षिण पूर्व रेलवे के प्रत्येक कर्मचारी और उनके परिवारों को भी अपनी शुभकामनाएं देती हूं। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि हालांकि पहले 9 महीनों में हमारा प्रदर्शन उत्साहजनक रहा है, फिर भी हमें निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अधिकाधिक परिश्रम करना होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर लगन और परिश्रम से इन निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम होंगे। कोविड की महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। हर एक रेलकर्मी को विशेष रूप से सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता है, जिससे हम अपने यात्रियों को एक आरामदेह सेवा प्रदान कर सकें। मैं इसके साथ ही आप सबको, आपके परिवारों को एवं सभी रेल उपभोक्ताओं को पुनः इस पावन राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। आइए हम संकल्प लें कि हम देश की समृद्धि और विकास के लिए नई चुनौतियों को स्वीकार करेंगे और भारतीय रेल के प्रगति पथ को दीप्तिमान करेंगे। जय हिंद। हम हिंदुस्तानी।
अभिनंदन और स्वागत हमारी परंपराओं का एक हिस्सा और उसी का पालन करते हुए स्वान दस्ता का ये सदस्य जैक लोटस तीन रंगों से रंगे हुए गुब्बारे